रामपुर शाहबाद कोतवाली की सैफनी पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा मुनिराज के सेवानिवृत्त विदाई समारोह में पहुँचे एस वसी, उन्हें शाल उड़ाकर किया सम्मान। कहा, चारों साल के सेवा काल में कोई गलती नहीं हुई, यह बड़ी बात है। एस पी अरुण कुमार ने अपने भाषण में बताया कि इतने साल घर छोड़ना, परिवार से दूर रहकर अपनी ड्यूटी निभाना, जब आप त्योहार के खुशियों में लीन होते हो तब पुलिस जवान डंडा पकड़े आपकी सुरक्षा में वही खड़ा रहता जहां कागज में खड़ा किया गया। घर परिवार से फोन आने पर पस्तियों के अनुसार काटना पड़ जाता है और फिर अगली ड्यूटी चला जाता है। परिवार से बात करना भी मुश्किल होता, सर्दी गर्मी वर्षा और जान जोखों की ड्यूटी करके इतने सालों बाद घर परिवार मिलता है, एक नई जिंदगी निर्माण पुराए और जाते मिलता है। विदाई समारोह का संचालन कर रहे पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपाल सिंह ने कहा कि जैसा एसपी साहब ने बताया कि एक कर्मी की छुट्टी पर हमेशा सवाल रहते हैं, 5 दिन मांगने पर 2 दिन की मिलती है, कुछ ऐसी परिस्थिति है कि छुट्टी मिलती ही नहीं। आगे बताया कि सर के मुताबिक मुनिराज की पहली तैनाती रामपुर था, आखिरी सेवा भी रामपुर है। कोतवाल नरेंद्र त्यागी ढकरिया चौकी प्रभारी लक्ष्मण सिंह, चौकी प्रभारी सैफनी, कार्यक्रम आयोजक राजेश बैसला, ग्राम प्रधान कलीम खां, पूर्व प्रधान खालिल अहमद, हसरत अली, नदीम अहमद, भाजपा के संजय चौधरी, नरेश शर्मा, रहमत अली, आदि शरीफ अहमद, राम सेवक रस्तोगी, इरफान खान, अकित गुप्ता, सरवावत अली, भारी मात्रा में लोग पहुंचे और सेवानिवृत्त मुनिराज को तोहफे देकर फूल माला पहनाकर सम्मान किया। इनके परिजन भी काफी खुश नजर आ रहे थे। सिपाही व चौकीदार भी मुनिराज के सम्मान करने में पीछे नहीं रहे। परिवार जैसा ही प्यार मिला यहाँ पे सब जगह, पूरे सैफनी में कहीं भी 30 के 30 गांव में ऐसा कोई वो नहीं है सर जहाँ किसी ने कभी कुछ वो ऐसा वो करा हो, लेकिन सबसे बहुत बहुत वो मुझे मिला। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे ही जो स्टाफ आवे उसके भी आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे। अधिकारी महोदय मिलक दरोगा जी मुनिराज सिंह जी और दरोगा जी के परिवार से आए हुए उनके परिजन, पत्रकार बंधु एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं करीब 9 महीने से इस चौकी पर हूँ और मुनिराज सिंह दरोगा जी का मेरा बहुत प्रणाम रही होगी। एक पुलिस अधिकारी के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है कि वो अपने जहाँ कार्यकाल में रहे हों इस तरह से जनता का प्यार, जनता का सम्मान उनको मिल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से एडिशनल एसपी सर से अनुरोध करूँगा कि वो